देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरने, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे जमीन पर। और नींदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाइए तारे जमीन पर। जैसे कांच पे चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले, खो न जाए तारे जमीन। यह है इंदौर जिले के सांवेर की रहने वाली प्रगति, जिसके लिए अपने बल पर एक इंच भी आगे बढ़ना 3 दिन पहले तक किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन आज इसका यह सपना सच होता दिखाई दे रहा है। 8 सालों से बिस्तर पर पड़ी रहने वाली प्रगति मात्र 3 दिन पहले खंडवा रोड स्थित परमानंद आश्रम में आई। वहाँ योग के माध्यम से प्रगति ने प्रगति के वो कदम बढ़ाए जिसका उसे और उसके माता पिता सहित अन्य स्नेहियों को 8 साल से इंतजार था। योग गुरु उमानंद के मार्गदर्शन में प्रगति ने जिस मजबूत इरादों के साथ योग क्रियाओं को अंजाम दिया, उससे उसके जीवन में फिर से खुशी लौट आई है। यह खुशी प्रगति की जुबां पर भले ही ना सही, लेकिन उसकी आंखों में साफ नजर आती है। खड़े नहीं रह पाते थे, चल नहीं पाते थे, कब से ऐसा होता था? बचपन से? हाँ। अच्छा, और अब क्या चेंजेस आया है? क्या क्या करने लगे हो? अब खड़े होने लगे? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा।
कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या क्या किया आपने यहाँ पे आके, क्या क्या किया? योगासन और ध्यान और सीढ़ी चढ़ा। सीढ़ी भी चढ़े? योग गुरु भी इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। इनका कहना है कि जिस बीमारी के आगे मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी घुटने टेक दिए हों, उस बीमारी का महज यूं 3 दिन में परिणाम आना चमत्कार ही है। बचपन से अपना हर कार्य नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि उठना बैठना चलना एक सपना जो कभी संभव नहीं था ऐसा लगता था, वह होने लग गया मात्र 3 दिनों में। यहाँ परमानंद आश्रम में ये आए इनके माता पिता सहित, और 3 दिन में हमने चिद शक्ति प्रक्रिया के द्वारा, योगिक क्रियाओं के द्वारा, महाराज श्री योग पुरुष परमानंद स्वामी जी की कृपा के द्वारा ये हमने कुछ इनको करवाया। कुछ हमारे विदेशी विद्यार्थियों की भी सहायता ली, इसको योगा थेरेपी के कुछ प्रयोग करवाए, और ये 3 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा चमत्कार होना, यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए, आधुनिक विज्ञान के लिए, मॉडर्न साइंस के लिए चमत्कार से बढ़कर और क्या हो सकता है, ये वही कुछ हमने साक्षात देखा। प्रगति की माँ ने बताया कि उसका जन्म 8 साल पहले ऑटो रिक्शा में हुआ था। तब से लेकर अब केवल प्रगति की बीमारी में ही प्रगति हुई, जबकि उसने प्रगति का कोई कदम नहीं बढ़ाया। दर्जनों डॉक्टर से महंगा इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आकर जो बदलाव प्रगति में आया है, उसे देखने के लिए उनकी आंखें सालों से तरस रही थी। पिछले 8 साल हो गया, आज तक अभी अपने पैरों से खड़ी नहीं हुई। अब 3 दिन हमको यहाँ आए हुआ स्वामी जी के आश्रम में, 3 दिन से वो 2 दिन से अब सहारे से खड़ी हो जाती है, सहारा छोड़ भी देती है। ये बहुत बहुत स्वामी जी का आशीर्वाद है। डॉक्टर बहुत दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बंसल ने बताया स्वामी जी के आश्रम में, तो यहाँ से काफ़ी हमको आराम मिला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश हूँ मैं तो। प्रगति को यूं अपने पैरों पर खड़े रहने में 4 विदेशियों की भी सराहनीय भूमिका रही है, जो यहां आए तो योग सीखने थे, लेकिन 3 दिनों में इनका इस बालिका के साथ ऐसा रिश्ता बन गया मानो सालों से ये एक दूसरे से जुड़े रहे हों। उसे अपने पैरों पर खड़े होते देख इन विदेशियों तक की आंखें भर आती है। इनका कहना है कि ये पल वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। With progress? Well, with the proper guidance that we had, I experience how to have patience. With Omji's guidance, we were able to go one step further, and he taught us how to feel the energy, how to move the body, and we were able to do to see and witness such a miracle. But I didn't know what I was coming in. And getting into this is amazing. It's an amazing experience for me, and I'm very grateful to be a part of the Paramanand Institute. This was amazing. When I met Pragati, she was a little shy actually. She couldn't move from her childhood, and under Guruji's guidance, we first determined some yoga asanas and pranayama techniques for her. And then we started to apply these techniques, and almost every moment we were together, it was amazing. It's amazing to see how she improves her self-confidence, her awareness on all the body parts. She really inspires us to do more, to learn more, and her positive energy makes us stronger, I believe. बीते 4 दिनों में प्रगति ने जो हौसला योग के माध्यम से अपनी बीमारी को हराने में दिखाया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि यदि उसने इसी प्रकार योग को हथियार बनाए रखा तो वह दिन दूर नहीं जब वह अन्य बच्चों की तरह दौड़ती भागती नजर आएगी और आगे पढ़ लिख कर कुछ बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। कैमरा पर्सन योगेश नीम के साथ मनीष गंगवानी, डीजी न्यूज़, इंदौर।